हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि लेजर फेशियल या ब्लैक डॉल फेशियल या कार्बन पील किसको बोलते हैं। जो लेजर थेरापी है आजकल बहुत चर्चा में है और आजकल सभी लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, तो अलग अलग लेजर्स का अलग अलग इंडिकेशंस होता है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एनडीआर लेजर। एनडीआर लेजर दो फ्रीक्वेंसी में मिलता है, 1064 और 532। ये जो लेजर है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है और उसकी जो तरंग लंबाई है वो स्पेसिफिक ही रहती है और उनके स्पेसिफिक एक क्रोमोफोर होते हैं, माने शरीर की अंदर के टिश्यू का कुछ रंगीन पदार्थ जो लेजर की लाइट को एब्सॉर्ब कर सकता है, और वो पदार्थ स्पेसिफिक होने की वजह से बाकी की चीज़ों में वो लेज़र की लाइट एब्सॉर्ब नहीं होती है। जैसे कि एनडीआर लेज़र है तो वो मेलेनिन जो है अपने शरीर का या काला पर जो होता है वो उसको एब्सॉर्ब कर सकता है। लेज़र का मैकेनिज्म क्या है कि चमड़ी से पास होके वो अपना पिगमेंट तक जाता है, पिगमेंट में जाके वो एब्सॉर्प्शन की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है और वो पिगमेंट रखने वाला कोष जो है वो मर जाता है, तो और धीरे धीरे शरीर का इम्यून सिस्टम उसको साफ कर देता है और पिगमेंट आपका कम दिखने लगता है। ये जो लेज़र है वो कार्बन पील की माध्यम से भी यूज़ किया जा सकता है। तो एनडीआर जो लेज़र है, आपको अगर ब्लैक स्पॉट है, मेलाज्मा है, फ्रैकल्स, सन डैमेज है, काला कलर का पिगमेंटेशन है, काला कलर का लहसुन है या टैटू है, ऐसा कुछ भी कलर में ये लेज़र एनडीआर यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी बार काले कलर के बाल निकालने के लिए भी एनडीआर लेज़र का उपयोग किया जा सकता है। तो कार्बन पील क्या है, माने अगर आप सीधा लेज़र का उपयोग करते हैं ये सब स्किन कंडीशन में और आपका पिगमेंट दूर करते हैं तो उसे लेज़र फेशियल बोला जाता है, क्योंकि ये एक नॉन एब्लेटिव लेज़र है। एब्लेटिव लेज़र माने क्या, स्किन को डैमेज करता है। नॉन एब्लेटिव लेज़र माने स्किन से वो पास हो जाता है लेकिन स्किन को डैमेज नहीं करता है, उसका टारगेट अलग है, स्किन के नीचे वहाँ जाके ही वो एक्शन करता है। इसलिए गोरी चमड़ी और काला पिगमेंट वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है कि खाली पिगमेंट वाले कोष को ही इसका असर होता है। कार्बन पील में आपकी चमड़ी के ऊपर ब्लैक कलर का कार्बन या चारकोल जो होता है वो उसका पेस्ट लगाया जाता है और उसके बाद ये लेज़र फेशियल किया जाता है। कार्बन क्या करता है कि वो खुद काला कलर का होने की वजह से अगर आप बिना कार्बन के लेज़र करें और कार्बन पील के साथ में लेज़र करें तो उसका इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाता है। इसलिए कार्बन पील करके अगर आप लेज़र फेशियल कराएं तो आपका पिगमेंट निकलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका स्किन जो है स्पॉटलेस और क्लियर हो जाता है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 सिटिंग लगती है और आपको वो लेज़र फेशियल करने का जो है वो टाइम हर एक 15 डेज या 21 डेज पे 3 या 4 बार कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपको तारी सर्दी नो आवाज आया कर अंदर स्टॉप कर पास कर ना तो काफी ना क्या। इसको करने के बाद आपको एवं तो तू बाहर बैठ जाए पछी अंदर बंद क्यों आ गई जैसे खाली इसको करने के बाद आपको सनलाइट से बचना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीधे सनलाइट में जाते हैं तो इसका जो इफेक्ट है आपकी स्किन को और काला कर सकता है। सनलाइट अवॉइड करना हर एक लेज़र प्रोसीजर के बाद बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप आपकी स्किन को डेली फेस वॉश करें और मॉइस्चराइज रखें, वो भी ज़रूरी है। अगर आपका स्किन हेल्दी रहा
और आपने अगर लेजर फेशियल या ऐसा कुछ कराया तो आपका स्किन बहुत अच्छे से ग्लो कर सकता है। एलिगेंस क्लिनिक में एडवांस एंडीयाग लेजर है और हमारे पास लेजर फेशियल, कार्बन पील दोनों ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप ये ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें आप नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप करके आपका फोटोग्राफ भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ashutosh.apple@gmail.com, उसके ऊपर आप इंक्वायरी भेज सकते हैं। खुद आके अडाजन सूरत में हमारा क्लिनिक है, वहाँ पे मिल सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट है www.surathairandcosmetic.com और www.eleganceplasticsurgery.in पे जाके आप इंक्वायरी डाल सकते हैं। आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको ये माहिती पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।